हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका हमने अपना चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन स्टार्ट कर रखा है। तो वही चैप्टर मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगी। 9.1 की सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमारा रह गया, क्वेश्चन नंबर 11। बाकी सारे क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इसे करके इस एक्सरसाइज को कम्प्लीट करते हैं। तो आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन 24x28, ये वाला डायग्राम है इसका, एंड इनर डायमेंशन 16x20 सेंटीमीटर। तो एक पिक्चर फ्रेम है जिसके बाहर की डायमेंशंस भी दे रखी है और अंदर की डायमेंशंस भी दे रखे हैं आपको। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम के हर एक सेक्शन का एरिया आपको निकालना है। इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, जो विड्थ है इनकी, चौड़ाई जो है वो हर एक सेक्शन की सेम रहेगी। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे वो, यहाँ देखिए मैंने फिगर यहाँ पर एक बार दोबारा ड्रॉ कर लिया। ईच सेक्शन मतलब आपको ये निकालना है, जैसे फर्स्ट सेक्शन ये हो गया, सेकंड सेक्शन ये हो गया, थर्ड सेक्शन ये हो गया और फोर्थ सेक्शन ये हो गया, चार सेक्शन है। तो इन चारों सेक्शन का अलग अलग एरिया निकालना है। तो आप देख लो ये ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम के लिए आपको पैरेलल साइड्स पता होनी चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए। तो पैरेलल साइड अगर मैं फर्स्ट वाले की देखूँ तो देखो ये 16 है, ये भी 16 ही है। अब ये 24 है तो ये भी 24 ही होगी, तो इसका मतलब ये 16 और ये 24 है। पैरेलल साइड्स तो मिल गई, हाइट चाहिए मुझे बस। अगर आप हाइट यहाँ ध्यान से देखो, ये है इसकी हाइट, कैसे निकलेगी देखो, ये इतना 20 है और ये पूरी लाइन 28 है, तो 28 में से 20 जाएगा तो 8 बचा। अब चार यहाँ बट जाएगा और चार यहाँ, इक्वल क्यों बटा, क्योंकि लिखा था कि विड्थ जो है हर एक सेक्शन की सेम है। तो 4 + 4 = 8 + 20 बन गई ना पूरी बड़ी लाइन 28। तो विड्थ आपको मिल गई कितनी, मिली 4 मिली। ठीक है, तो पहले इसका ही निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्शन 1, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में एच। तो पैरेलल साइड्स मेरे पास है यहाँ पर 16 और 24, और एच मैंने अभी आपको बताया कैसे निकाला मैंने, 4, वो आपको पता चल गया है। इसको इससे काटा, 2 आ गया, 6 + 4 = 10, 3 + 2 + 1 = 3 + 1 = 4, तो 80 cm² आ गया। अब जितना फर्स्ट का एरिया है उतना ही थर्ड का एरिया होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, इनकी डायमेंशन सेम है, ये भी 16 और 24 ही है और इसकी हाइट भी 4 ही है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्शन 3, तो वो भी यही आएगा। तो दो सेक्शन का निकल गया, दो सेक्शन रह गए, फिर वही सेकेंड का निकाल लो या फोर्थ का, दूसरे का तो सेम ही होगा। तो बन तो ये भी ट्रेपीजियम ही रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्शन 2, दोबारा मैंने एक बार फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ, ठीक है। अब देखो इस वाले पे आओ, ये आपके पास 20 है क्योंकि ये 20 है, और ये पूरी आपके पास 28 है क्योंकि ये 28 है। तो पैरेलल साइड्स तो 20 और 28 मिली। अब हाइट देखो, ये पूरी 20 है तो मुझे नहीं लेनी। अब ये वाली हाइट ये होगी ना, देखो अगर ध्यान से देखो ये होगी, तो ये पूरी 16 है और ये 24 है, 24 में से 16 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 4 इधर डिवाइड हो गया और 4 इधर डिवाइड हो गया, और ये भी 4 ही आ रही थी इनकी हाइट भी। क्वेश्चन में लिखा भी है कि हर एक सेक्शन की विड्थ सेम है, तो इसका मतलब इसकी भी 4 ही होगी, और हमने निकाल के देखी तो भी 4 ही आ रही है ना। 24 में से 16 जाएगा 8, तो 4 इधर डिवाइड हो गया, 4 इधर डिवाइड हो गया, इसको इससे काट दिया, 2 आ गया, तो 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8 और 1 = 9। अब जितना सेकेंड का एरिया उतना ही फोर्थ का होगा, तो एरिया ऑफ सेक्शन यहाँ फोर्थ डाला, क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन 11। इसके साथ हमारी जो ये वाली आपकी एक्सरसाइज है ना 9.1, ये पूरी आज कंप्लीट हो गई है। 9.2 भी चैनल पे अपलोड होनी शुरू हो गई है, इससे पहले के एग्जांपल्स वगैरह सब अपलोड हो चुके हैं। एक्सरसाइज भी शुरू हो गई है, 3 से 4 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, बहुत जल्द अब आपको इसके बाकी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो
तो आज के इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।